कि आपको भी मेरी तरह हाई ग्राफिक एंड्रॉइड गेम्स खेलना पसंद है। अगर पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन हाई ग्राफिक गेम्स। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और आप लोग देख रहे हैं प्रोटेक यूट्यूब चैनल। और चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को लेकर के चलता हूँ इस रोमांचक सफर में। बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक, क्योंकि ऐसा हो सकता है इस वीडियो के आखिरी गेम्स देखने के बाद आप लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर मैं आप लोगों को 15 अलग अलग हाई ग्राफिक गेम्स बताने वाला हूं, और वो सभी गेम्स 2020 से 2021 के टाइम पीरियड में लॉन्च हो जाएंगे। तो चलिए इस अपकमिंग हाई ग्राफिक गेम्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यहां पर से जो काउंटडाउन रैंकिंग के ऊपर सबसे पहला गेम निकल के आता है वो है दोस्तों टावर ऑफ फैंटेसी। ये एक फैंटेसी यानी कि काल्पनिक दुनिया पर आधारित गेम है, जहां पर इंसान ढूंढने निकल जाते हैं एक नए प्लेनेट की तलाश में। उन्हें मिल भी जाता है, जिसका नाम होता है एडीए, और वहां पर उन्हें एक ऐसी एनर्जी सोर्स का पता चलता है जिससे उनका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। उस एनर्जी सोर्स को यूटिलाइज करने के लिए वो जगह जगह मैजिकल टावर्स लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, एनर्जी सोर्स के जितने फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसान भी है। उससे रेडिएशन फैलता है जिससे इंसान मर रहे हैं, और उसी के बाद से दोस्तों गेम की कहानी स्टार्ट होती है। अगर गेम प्ले की बात करी जाए तो साइंस फिक्शन माहौल आप लोगों को चारों तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं, फ्यूचरिस्टिक कार्स और बाइक्स हैं, उनको आप लोग ड्राइव कर सकते हैं। ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट है, यानी कि आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ग्राफिक्स आप लोगों को इस गेम की देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि इस गेम को बनाया गया है दोस्तों अनरियल इंजन 4.2 के ऊपर। और चलिए अब बात करते हैं दूसरे गेम्स की, क्योंकि ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। सीरीज के भी बहुत सारे तगड़े तगड़े गेम्स आने बाकी हैं, और जो सेकंड गेम निकल के आता है वो है सी ऑफ डॉन। अब इस गेम के अंदर आप लोग को ले जाया जाएगा समुद्री एडवेंचर पे समुद्री डाकुओं के साथ में। आप लोगों को सी एक्सप्लोरेशन करने के लिए मिलेगा, पानी के नीचे की दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे, आप लोग पता करेंगे ट्रेजर्स कहाँ पर छुपे हुए, यानी कि खजाने की तलाश में निकलेंगे, नई नई जगहों पे जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग समुद्री डाकुओं से आप लोग का सामना होगा, उन सभी को आप लोग हराने वाले हैं। और ये गेम सिर्फ और सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है, अलग अलग गेम प्ले मिशंस के दौरान आप लोग जमीन के ऊपर जाकर के भी ढेर सारा एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर करेंगे। यानी कि ये गेम भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार एडवेंचर गेम होने वाला है, और इस गेम की जो ग्राफिक्स है वो आप लोग को बहुत ही अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए खैर, अब बढ़ा जाए दोस्तों वीडियो में आगे, और बात करी जाए सीरीज के दमदार गेम की, यानी कि हमारा जो थर्ड गेम निकल के आता है वो है डॉन अवेकनिंग। अब इस गेम के बारे में हम लोग 2019 से सुनते चले आ रहे हैं, इस गेम का नेम ही चेंज हो गया और फाइनली डॉन अवेकनिंग के नाम से ही हमारे सामने निकल के आएगा। अगर आप लोगों से बात करो गेम प्ले स्टाइल की, यानी कि कैसा गेम प्ले एक्सपीरियंस ये गेम आपको प्रोवाइड करेगा, तो जो भी चीज आप लोग गेम से डिमांड करते हैं वो ये गेम आप लोगों को प्रोवाइड कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ओपन वर्ल्ड एरिया, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी चीज, ढेर सारे ज़ॉम्बीज यानी कि ऐसे दुश्मन जिनसे लड़ने में आप लोगों को मजा आएगा, आज के टाइम की मॉडर्न वेपन्स, ढेर सारी गाड़ियां, मॉडर्न व्हीकल्स या फिर दोस्तों चॉपर्स भी, और सबसे ज्यादा जरूरी बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स। यानी कि दोस्तों ये गेम आप लोगों को वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कराता है जो आप लोग ये गेम से डिमांड करते हैं। सो बस अब तो इंतजार सिर्फ इतना है कि कब ये गेम लॉन्च हो और कब आप लोग इस गेम को प्ले कर पाए। हो सकता है ये गेम बीट कर दे पबजी मोबाइल के सक्सेस को, बिकॉज यहाँ पर आप लोग को मल्टीप्लेयर का सपोर्ट भी मिलेगा और कैंपेन मिशन भी मिल जाएंगे। और चलिए दोस्तों, जब मल्टीप्लेयर की बात चली रही है तो चलिए बात करते हैं हमारे फोर्थ गेम की, और वो निकल के आता है दोस्तों एपेक्स लेजेंड मोबाइल। एपेक्स लेजेंड मोबाइल एक बैटल रॉयल गेम है जिसको आप लोग अपने कॉन्सोल्स जैसे कि प्लेस्टेशन 4 या फिर अपने पीसी पे काफी टाइम से प्ले करते आ रहे हैं, और इस गेम के ऑफिशियल डेवलपर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने ये कंफर्म किया है कि इस गेम को वो लोग मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी बना रहे हैं, और बहुत ही जल्द ये आप लोग को 2020 में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उसके बीच में आ गया कोरोना पैंडेमिक, और इसी वजह से इस गेम का सॉफ्ट लॉन्च 2020 में नहीं हो पाया। लेकिन परेशान मत होइए, अभी कुछ महीने बचे हैं, हो सकता है एंड ऑफ 2020 में आप लोगों को इसका सॉफ्ट लॉन्च यानी कि बीटा वर्जन्स, अर्ली एक्सेस वर्जन देखने के लिए मिल जाए, और 2021 में ये गेम फाइनली आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए खैर दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं और डिफरेंट गेम्स की, बिकॉज यार बहुत सारे गेम्स अभी आने बाकी है। आराम से इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लोग अभी के अभी जाकर कर दो इस वीडियो को एक लाइक। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पे आप लोग 10,000 से ज्यादा लाइक्स कर देंगे। और जो फोर्थ गेम निकल के आता है वो है दोस्तों प्रोजेक्ट पीके। इस गेम में आप लोग रोल प्ले करते हैं एक मॉन्स्टर हंटर का, जो कि मारता है दोस्तों बड़े बड़े विशाल का एक डेंजरस मॉन्स्टर्स को। उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे अपने यूनिक और पावरफुल वेपन्स का, और इस गेम की ग्राफिक्स भी आप लोग को बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। बेसिकली इस गेम में आप लोग को कैंपेन और स्टोरी लाइन दी जाएगी जिसको आप लोग फॉलो करेंगे, ढेर सारे मॉन्स्टर्स और बड़े बड़े बॉसेस से आप लोग का सामना होगा, और इन सभी को आप लोग मार गिराएंगे। और चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ में बात करते हैं हमारे सिक्स्थ गेम और आप सभी के पसंदीदा गेम की, जो निकल के आता है गेंशिन इंपैक्ट।
बैक। अब यार जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ अपने चैनल के ऊपर, मेरे पास ढेर सारे कमेंट्स आते हैं इस गेम के रिगार्डिंग कि भाई जेंशन इंपैक्ट गेम के बारे में कुछ बताओ, हमें ये गेम बहुत पसंद आया है, इस गेम की ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छी है। और एक्चुअली में दोस्तों ग्राफिक्स अच्छी है बिकॉज इस गेम को भी अनरियल इंजन 4 के ऊपर बनाया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस गेम के रिलीज डेट की। ये गेम आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों 28th of September को, यानी कि बहुत ही जल्द इस गेम को आप लोग अपने iOS और Android डिवाइसेस के ऊपर डाउनलोड भी कर पाएंगे और पूरा का पूरा MMORPG का मजा भी ले पाएंगे। इस गेम में दोस्तों आप लोग फाइट करते हैं अलग अलग क्रीचर्स से, ब्यूटीफुल ग्राफिक्स आप लोग को देखने के लिए मिल जाती है, ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कि जहां पर आप लोग जाना चाहे वहां पर जाइएगा। और चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं सीरीज में आगे और बताता हूं आप लोगों को जेंशन इंपैक्ट से भी ज्यादा हाई ग्राफिक एक और नया गेम, यानी कि दोस्तों हमारा 7 नंबर का गेम जो निकल के आता है रैन लॉस्ट आइलैंड। अब जैसा कि मैंने बताया इस गेम की ग्राफिक्स आप लोगों को पुराने बताए गए गेम से भी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिल जाएंगी। एक्चुअली में ये भी एक ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है जहां पर आप लोगों को एक बेहतरीन आइलैंड दिया जाएगा। उस आइलैंड की जो लोकेशन से जो वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक होंगी। एक्चुअली यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को पता लगाना है ट्रेजर्स का। आप लोग ट्रेजर्स वगैरह ढूंढेंगे, पजल्स को सॉल्व करेंगे और फाइट करते रहेंगे दोस्तों ढेर सारे एनिमीज से। पुराने टाइप की वेपन्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी। आप लोग इस्तेमाल करेंगे तलवार यानी कि स्वॉर्ड्स का, शील्ड्स का और बड़े बड़े बॉसेस से आप लोगों का सामना होगा। ये गेम काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, यानी कि अगर आप लोगों की स्किल्स अच्छी होती चली जाती है तभी आप लोग इस गेम में सर्वाइव कर पाएंगे। तो हुआ ना एक मजेदार सा गेम। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो के अंदर बताया गया कौन सा गेम आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया है। चलिए इसी के साथ में बढ़ता हूँ आगे और बात करते हैं एर्थ गेम की, जो कि निकल के आता है दोस्तों डेविल मे क्राई पिनाकल ऑफ कॉम्बैट, यानी कि डेविल मे क्राई की फ्रेंचाइजी का पहला ऐसा एंड्रॉइड गेम जो कि उसी लेवल की ग्राफिक्स के साथ में आने वाला है। अगर आप लोगों ने DMC के गेम्स ऑलरेडी अपने PCs पे प्ले किए हैं, जैसे दोस्तों डेविल मे क्राई 5 या फिर अपने कॉन्सोल्स पे, तो आप लोग जानते होंगे किस टाइप का एक्शन वहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, कैसी स्टोरी लाइन होती है, कैसे खतरनाक क्रीचर्स होते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को इस गेम में दिया जाएगा। बहुत ही ज्यादा तगड़ा एक्शन, नॉन स्टॉप फाइटिंग और इतने ज्यादा कमाल के मूव्स एंड कॉम्बोस कि आप लोगों को इस गेम को प्ले करने में मजा ही आ जाएगा। और जब मूव्स एंड कॉम्बोस की बात चली रही है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे 8th गेम की जो निकल के आता है हिडन ड्रैगन लेजेंड्स, क्योंकि इस गेम में भी आप लोगों को ढेर सारी फाइटिंग देखने के लिए मिल जाएगी। एक्चुअली में इस गेम में आप लोग रोल प्ले करने वाले हैं लू टैन्युएन का। ये एक स्वॉर्ड फाइटर होने वाला है दोस्तों जिसको रिवेंज लेना है, बदला लेना है मारते हुए सभी लोगों को। क्यों लेना है वो आप लोगों को इस गेम की स्टोरी में पता चल जाएगा। एक्चुअली में दोस्तों उसके मास्टर के द्वारा उसके ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे, उसको ऐसी मैजिकल पिल्स दी गई जिससे उसके अंदर में पावर्स आ गई थी, और जब वो पावर उससे छीन ली गई तो उसे पता लगाना है एक्चुअली में ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से उनके पास में ये पावर्स है। सो बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है, ढेर सारी फाइटिंग है, गेम प्ले एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज आप लोगों को अच्छी फाइटिंग आनी चाहिए। और चलिए दोस्तों बहुत हो गई फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, अब बात करते हैं एक मजेदार से गेम की, यानी कि दोस्तों हमारा 10 नंबर का गेम वो निकल के आता है अवर प्लेनेट। अब इस गेम में आप लोग अलग अलग प्लेनेट की सैर पर निकलेंगे अपने दोस्तों के साथ में। जी हाँ दोस्तों ये एक मल्टीप्लेयर गेम होने वाला है जहाँ पर आप लोग जब किसी प्लेनेट के ऊपर उतरते हैं तो वहाँ पर रिसोर्सेज और सप्लाईज को गैदर करते हैं। उन सप्लाईज का इस्तेमाल करते हुए आप लोग करेंगे सर्वाइव, फाइट करेंगे अलग अलग एनिमीज से और ब्यूटीफुल ग्राफिक्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मल्टीप्लेयर फाइटिंग गेम है और दोस्तों के साथ प्ले करने में इस गेम को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलिए खैर दोस्तों इसी के साथ में बात करता हूं मैं सीरीज के 11th गेम की, जो निकल के आता है वारहैमर ओडिसी। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स वाला मल्टीप्लेयर RPG गेम होने वाला है जहाँ पर आप लोग एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, अपनी सेनाएं वगैरह तैयार करेंगे और फाइट पर जाते हैं। हालांकि अभी ज्यादातर गेम प्ले फुटेज और टीजर्स इस गेम से निकल के नहीं आए हैं, यानी कि हमारे पास में उतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं है। तो चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 12th गेम की, जो निकल के आता है दोस्तों प्रोजेक्ट कार्स मोबाइल। अब प्रोजेक्ट कार्स गेम के बारे में भी दोस्तों जो लीक्स और रूमर्स है वो 2018 से ही स्टार्ट हो गए थे कि प्रोजेक्ट कार्स मोबाइल ऑफिशियली एंड्रॉइड डिवाइसेस पर आने वाला है। पूरा 2019 निकल गया और 2020 भी दोस्तों एंड ही होने वाला है, लेकिन इस गेम का ना ही अभी तक कोई बीटा वर्जन आया है ना ही दोस्तों कोई गेम प्ले फुटेज आई है। तो क्या ये गेम एंड्रॉइड डिवाइसेस पर नहीं आने वाला? ऐसा नहीं है दोस्तों, गेम एक्चुअली में जरूर आएगा एंड्रॉइड स्मार्टफोन के ऊपर। अभी जो डेवलपर्स हैं वो गेम के ऊपर वर्क कर रहे हैं और भी ज्यादा एनहेंस कर रहे हैं गेम की ग्राफिक्स को और मल्टीप्लेयर सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप लोग रियल टाइम में अदर प्लेयर्स के साथ में रेसिंग कर पाएंगे। सो है ना कमाल की बात। और जब गेम प्ले एक्सपीरियंस की बात चली रही है तो चलिए बात करते हैं हमारे 13th गेम की, जो निकल के आता है काइरेन। क्योंकि यार जब मैंने पहली बार इस गेम के गेम प्ले को देखा था तो मुझे भी ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। एक्चुअल में ये एक पार्कर गेम होने वाला है जहाँ पर आप लोग बहुत ही जल्दी जल्दी एक्शन लेंगे। आप लोगों को बीच में फाइटिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी, पार्कर सीन्स भी मिलेंगे, ग्राफिक स्टाइल बहुत ही ज्यादा यूनिक है, साइंस फिक्शन स्टाइल का एक फ्यूचरिस्टिक जॉनरा
दिखाया गया है। ओवरऑल अगर बताऊं तो एक मजेदार सा गेम प्ले एक्सपीरियंस वाला गेम है। अगर आप इस गेम को खेलना शुरू करते हैं तो भाई लोग लेवल्स को कंप्लीट करने से पहले आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। और चलिए अब वो वक्त आ चुका है जिसके लिए मैंने आप लोगों को रोक करके रखा था, यानी कि हमारे एंडिंग के दो बेस्ट गेम्स। और उनमें से दोस्तों हमारा 14 नंबर का जो गेम निकल के आता है वो है दोस्तों ओडिन वल्हाला राइजिंग। अब यार इस गेम के टीजर और ट्रेलर गेम प्ले को आप लोग देखिए, क्या कमाल की ग्राफिक्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। अभी तक के बताए सभी गेम्स में मुझे ये गेम सबसे ज्यादा पसंद आया है। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों एक तो ओडिन। अगर आप लोग ओडिन और थॉर के बारे में नहीं जानते हैं, बेसिकली ये गेम दोस्तों नॉर्स माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर इंसानों से फाइट होने वाली है दोस्तों डेमन्स की और गॉड्स की। सो ये वॉर जो होगी उसे देखने में कितना ज्यादा मजा आएगा ये आप लोग सोच ही सकते हैं। गेम की ग्राफिक्स आप लोग को टॉप नॉच देखने के लिए मिल जाएगी बिकॉज इस गेम को बनाया गया है दोस्तों अनरियल इंजन 4 के ऊपर, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्राफिक्स, एक कमाल का गेम प्ले एक्सपीरियंस और भाई साहब इतनी तगड़ी वॉर होने वाली है, खेलने में आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। और चलिए फाइनली दोस्तों करते हैं इस वीडियो को एंड और बात करते हैं हमारे लास्ट गेम की, यानी कि जो 15 नंबर का गेम निकल के आता है वो है दोस्तों कोटी यानी कि थीसियस। अब वैसे तो दोस्तों इस गेम के ऊपर दो राय बन के आ रही है। कुछ लोग तो बोलते हैं यार इस गेम को क्लोन बनाया गया है साइबरपंक 2077 के जैसा, जो कि मैं भी पर्सनली बिलीव करता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि नेटीज डेवलपर्स हमारे लिए क्या लेकर के आने वाले हैं। अगर बात करी जाए इस गेम के ट्रेलर और टीजर को देखते हुए तो भाई ग्राफिक्स तो आप लोगों को बहुत ही तगड़ी देखने के लिए मिल जाएंगी। ऊपर से सबसे अच्छी बात यह है कि एक सिमुलेटर गेम होने वाला है जहाँ पर आप लोगों को ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, कमाल की व्हीकल्स देखने के लिए मिलेंगी, ढेर सारी वेपन्स मिलेंगी और भाई तगड़ा एक्शन मिलेगा। चाहे क्लोन हो या फिर दोस्तों ओरिजिनल, पर्सनली तो हमें साइबरपंक 2077 जैसा गेम मोबाइल डिवाइसेस पर खेलने के लिए मिल ही रहा है, तो इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो भाई लोग डेफिनेटली जाकर कीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और चलिए दोस्तों आज के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, मिलूंगा आप लोगों से इसी तरह की एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ में। टिल देन की वॉचिंग प्रोटेक्ट, बाय बाय।